मुझे कहते हैं सरदार, मैं यूट्यूब के चैनल सरदार दुबई दुबई के लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज हम आपके लिए लाए एक इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर को। सर, सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन कराइएगा। मैं सुजीत कुमार हूँ और मैं एज ए इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर काम करता हूँ दुबई में, और मैं इंडिया से हूँ। सर आपका नाम बताइएगा। अच्छा, नाम तो आपने बता दिया, सॉरी। तो और आप एज ए इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर काम कर रहे हैं एक कंपनी में दुबई में, ओके। तो उसके बाद इसके लिए क्या मतलब बेसिक क्वालिफिकेशन जो होती हैं इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर के लिए नीडेड होती हैं इस फील्ड में आने के लिए, इस फील्ड में कैसे आ सकते हैं? मतलब बहुत सारे लोगों ने डिप्लोमास किए होते हैं, बी टेक किया होता है, या फिर बी एस सी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया होता है, तो फिर ये एक स्पेसिफिक फील्ड हो जाता है। तो जब ये स्पेसिफिक फील्ड हो जाती है तो इसके लिए फिर स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेशन या जो भी एक्सपीरियंस वगैरह नीडेड होगा, तो काइंडली उसके बारे में बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। इसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक ऑटो कैड की थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और उसके बाद डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ई टैब एक सॉफ्टवेयर आता है जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनिंग के लिए काम आता है। उसके अलावा कुछ और सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपको करें तो बहुत सहूलियत होगी, जैसे डायलेक्स आता है या सी जी लक्स आता है, वो लाइटिंग डिज़ाइन के लिए काम आता है। वो बहुत ज़रूरी एक तरीके के सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपको डिज़ाइनिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर के जो इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनिंग में काम करना चाहते हैं उसके लिए मस्ट है, मतलब ये चीज़ें या सॉफ्टवेयर जो है वो सीखना है। जी, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये अगर आप जानते हैं तो आपके लिए यहाँ आने में बहुत आराम होगा। ओके, और ये जो सॉफ्टवेयर है ये इंडिया पाकिस्तान में मतलब आदमी आराम से सीख सकता है, वहाँ पे ऐसे कोई इंस्टीट्यूट्स या अकेडमीज़ जो ये चीज़ ये कोर्सेज वगैरह कराते हों, ये सर्टिफिकेशन मतलब जहाँ से बंदा ले सकता हो? ये कोर्सेज बहुत इजीली अवेलेबल्स हैं और सॉफ्टवेयर आपको ऑनलाइन भी मिल सकते हैं। आप ट्रायल वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं और यूट्यूब की वीडियोस से भी आप सीख सकते हैं। ये बहुत इजी सॉफ्टवेयर है और बस आपके पास समय होना चाहिए इसको सीखने के लिए। मतलब वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कराते हैं ये कोर्सेज, इंस्टीट्यूट्स भी कहने हैं का वहाँ मकसद ये है। ओके, और इसके बाद जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं या बी एस सी या बी टेक इस फील्ड में, मतलब डिप्लोमा होल्डर आ सकता है? एक 3 ईयर्स जो इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होता है लड़कों ने अक्सर किया होता है, क्या वो आ सकते हैं इस फील्ड में? जी, वो भी आ सकते हैं, लेकिन आपको बस थोड़ा डिज़ाइनिंग कैलकुलेशंस की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए क्योंकि डिज़ाइनिंग में सारा काम कैलकुलेशन बेसिस। तो उसमें फार्मूलाज होते हैं, मतलब कुछ फार्मूलाज वगैरह होते हैं? जी, सारे फार्मूला बेसिस होते हैं क्योंकि आप जो भी इलेक्ट्रिकल में सिलेक्शन करेंगे वो फार्मूला बेसिस पर होता है। ओके, और इसमें फिर बी टेक और बी एस सी वाले सारे आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं जी, उनके लिए? डिप्लोमा बी टेक बी एस सी। ओके, तो अभी जो ये लोग कॉन्फिडेंस लेवल पर, कोई भी कंपनी क्वालिफिकेशन के अलावा आपका कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा वो मैटर करता है। आप क्वालिफिकेशन आपकी है लेकिन आप प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते अपने आप को, तो आपको वो सैलरी नहीं देंगे। तो क्वालिफिकेशन तो रिक्वायर्ड है ही है, लेकिन प्लस आपका एक्सपीरियंस और वे ऑफ डिफाइनिंग बहुत नेसेसरी है। तो आप प्लीज़ ध्यान दीजिए उस चीज़ पर, और सैलरी स्ट्रक्चर पर कोई खास डिफरेंस नहीं पड़ेगा उससे आपके। तो फ्रेशर जो है उनको मेरा तो ये मानना है, जो जितने भी फ्रेशर्स आते हैं उनको इतना बड़ा ज़्यादा जो है सैलरी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जब वो फील्ड में एंटर हो जाते हैं तो फिर उनको ऑफर्स भी आती हैं, तो अक्सर लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लेके आते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मतलब वो इतनी एक्सपेक्टेशन रखें, या फिर वो मतलब अगर लो सैलरी भी मिलती है तो नो डाउट कि वो अपने जो फील्ड है वो स्टार्ट कर लें, बाद में ईजिली मतलब उनको ऑफर्स भी आएंगे और सब कुछ आता है टाइम बिंग। उन्हें फर्स्ट तो ये सैलरी थिंकिंग इनिशियली करना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले वो सिर्फ ये सोचें कि कितना ज़्यादा वो नॉलेज गेन कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप समय इस फील्ड में देंगे उतनी ही आपकी हाई सैलरी होगी। तो फर्स्ट डू जॉब, डू स्टार्टिंग, और आप बाद का इंतजार मत करिए कि मुझे जब ज़्यादा सैलरी मिलेगी तभी मैं ज्वाइन करूँगा। आप ज्वाइन कीजिए और 1-2 साल में जैसे ही आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा उस हिसाब से आपकी सैलरी स्ट्रक्चर रिवाइज्ड हो जाएगी। तो इन लास्ट में सुजीत भाई आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारे व्यूवर्स को, जितने भी देख रहे हैं और वो लोग जो इस फील्ड में आने के लिए इंटरेस्टेड है, जो भी इलेक्ट्रिकल के लोग हैं रिलेटेड टू योर फील्ड, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे, आपकी क्या सजेशन रहेगी उन लोगों के लिए? मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले जो बेसिक सॉफ्टवेयर्स हैं वो ज़रूर सीखें और कुछ समय अपने इस फील्ड में काम करें, भले ही किसी छोटी मोटी कंसल्टेंसी को ज्वाइन करें, वहाँ आप एक्सपीरियंस लें, क्योंकि विदाउट एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। तो आप सबसे पहले वहाँ कुछ एक्सपीरियंस लेकर यहाँ आएँ तो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा, और सॉफ्टवेयर जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप कवर कर सकें
वो आपके लिए बेनिफिशियल। जीत भाई, मैं यहाँ पे चाहूँगा कि उन सॉफ्टवेयर के नाम जो है एक बार आप फिर रिपीट कर दे, ताकि हमारे सुनने वाले जो हैं वो उन सॉफ्टवेयर को किसी ने अगर मिस कर लिया स्टार्ट में, तो आप दोबारा जो है रिपीट कर दें उन नाम्स को, मतलब जो भी आपने नेम्स बताए हैं सॉफ्टवेयर के वो आप रिपीट कर दें काइंडली। जी, सबसे पहला सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड, जो कि बेसिक हर किसी को आना चाहिए। उसके बाद आता है ई टैब, जो कि इलेक्ट्रिकल बेसिकली डिज़ाइनिंग के लिए काम आता है। फिर हम लाइटिंग डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं डायलक्स या सीजीलक्स आता है, वो बहुत ज़रूरी है। मोस्टली यही सॉफ्टवेयर्स हैं, और आप कंप्यूटर नॉलेज रखें तो बहुत अच्छी बात है। एक्सेल, अभी जो ये लोग अक्सर जो है फ्रेशर्स होते हैं, मतलब किसी ने बीएससी या डिप्लोमा एक्स वाई जी इन्होंने किया होता है, तो ये जब फ्रेशर्स होते हैं तो क्या ये यहाँ पे यूएई में या गल्फ में आके जॉब कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन डिपार्टमेंट में? क्योंकि ये स्पेसिफिक है और स्पेशलाइजेशन इसके लिए जैसे आप कहते हैं कि चाहिए होती है, तो क्या फ्रेशर्स लोग यहाँ पे आके इस जॉब को, मतलब यहाँ पे उनको एक ब्रेक थ्रू मिल सकता है, मतलब जॉब मिल सकती है इस फील्ड में? जी, फ्रेशर के लिए तो वैसे बहुत मुश्किल है, मिनिमम 2 ईयर कंट्री एक्सपीरियंस यहाँ रिक्वायर्ड होता है। अगर आपने अपनी कंट्री में मिनिमम 2 साल काम किया है डिज़ाइनिंग फील्ड में, तो यहाँ पर आपको एज ए फ्रेशर ट्रीट किया जाएगा। तो इसीलिए फ्रेशर को ये सजेस्ट नहीं किया जाएगा डायरेक्टली यहाँ आके अप्लाई करें, चांसेस बहुत लेस हैं। तो उसके लिए आपको वहाँ पे ये सर्टिफिकेशन करने पड़ेगी, ये जो सॉफ्टवेयर आपने बताया, और उसके बाद फिर वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस गेट करना पड़ेगा किसी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में या किसी भी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जहाँ पे डिज़ाइनिंग का, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनिंग का काम किया जाता है। तो उन लोगों को वहाँ उन इंडस्ट्रीज़ में जाना पड़ेगा, और फिर वहाँ पे एक्सपीरियंस हासिल करके और फिर काम सीख के तो फिर वो यहाँ पे आ सकते हैं। जी, तो कौन कौन से सोर्सेज है मतलब इन लोगों के आने की यहाँ पे, मतलब ये लोग अगर इंडिया पाकिस्तान से आना चाहते हैं यहाँ पे यूएई में जॉब हासिल करने के लिए, तो कौन से ईजी वे हैं टू गेट द जॉब इन यूएई या गल्फ? बहुत से कंसल्टेंट्स हैं जो आपकी कंट्री में ऑलरेडी वर्किंग करते हैं। प्लीज़ गो टू रजिस्टर्ड कंसल्टेंट्स, जो कि रजिस्टर्ड कंसल्टेंट्स हैं, पहली चीज़। बड़ी टेक्निकल बात है ये, और आप ज़रूर ध्यान दें, या फिर आप विजिट वीज़ा पे भी यहाँ आ सकते हैं, और आने के बाद यहाँ आप रेगुलरली अप्लाई करें, और यहाँ वॉक इन इंटरव्यूज़ चलते रहते हैं, जिसमें वो फ्रेशर को भी हायर करते हैं और एक्सपीरियंस होल्डर भी हायर करते हैं। तो उसमें सैलरी डिफर होता है थोड़ा बहुत, मतलब सैलरी डिफरेंस होगा बेसिकली, अगर आपको इंडिया का या पाकिस्तान का एक्सपीरियंस ऑलरेडी 2 साल का है, वो अगर आपको फ्रेश भी ट्रीट करेंगे तो 5 से 6 हज़ार तक की बेसिक आपको वो सैलरी देंगे। तो ये जितने भी इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर हैं, इनकी जो मतलब स्टार्ट सैलरीज होती है वो 5 to 6 thousand दरम जो है वो स्टार्ट होती है, मतलब वो मिनिमम है, और वो डिपेंड, क्राइटेरिया भी कुछ डिपेंड्स करते हैं कई बार कंपनीज बेसिस पर। अगर अच्छी कंपनी है तो वो मिनिमम आपको इतना देगी, और कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर्स में जाते हैं तो वो डिज़ाइन इंजीनियर नाम रख के आपको सिर्फ एज ए साइट वर्क कराते हैं, तो वो वहाँ सैलरी स्ट्रक्चर लो है। बड़ी टेक्निकल बातें आप कह गए हैं, और मेरे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो खुद ही से आप कवर कर गए हैं। और ये जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, बेसिकली आजकल डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए मेरे हिसाब से मार्केट में, तो क्या डिप्लोमा होल्डर्स को भी यही 5 to 6 thousand मिलेगा, मतलब मार्केट में जब ये लोग आते हैं, या फिर उनका 3 to 4 thousand? क्योंकि जो एक डिग्री होल्डर या डिप्लोमा होल्डर है उसमें बहुत डिफरेंस है, मतलब वो सब डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस प्लस कॉन्फिडेंस लेवल पर। अच्छी बात है, एक्सेल ज़रूर सीखें, क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड में सबसे ज़्यादा काम एक्सेल का आएगा। तो ये जितनी भी इन्होंने टेक्निकल चीज़ें थी वो कवर कर दी हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर चाहिए होती है इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। माशाल्लाह बहुत काबिल इंजीनियर है, और हम लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो नो डाउट कि एक बहुत काबिल इंजीनियर और पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं इस वक्त और मेरे सामने हैं। तो कहने का मकसद ये कि जो जो भी बेसिक चीज़ें थी इन्होंने आपको बता दी, और आप समझना है उसको या फिर आगे लेके जाना, उस चीज़ को कंटिन्यू करना, वो आपका काम है। तो आपके पास 30 सेकंड है, अगर लास्ट में अगर आप कुछ कहना चाहें 1-2 lines हमारे व्यूवर्स के लिए। जी, मैं तो यही अभी भी यही सबको राय दूंगा कि प्लीज़ कॉन्सनट्रेट इनिशियली, कि आप कुछ भी मिले, जो भी जॉब मिले आप ज्वाइन करें, और सिर्फ सेटल्ड हो सबसे पहले, और उसके बाद सब चीज़ अपने आप अच्छा होगा। तो आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, इनिशियली स्टार्ट करें बस। ओके, थैंक यू वेरी मच सुजीत भाई, हमारे व्यूअर्स के लिए आपने टाइम निकाला और फिर उनके लिए हमारे साथ एक वीडियो बनाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, बहुत सारी चीज़ें जो है इन्होंने खुद ही कवर कर दी, और मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं रही जितने भी सॉफ्टवेयर चाहिए या क्या क्या जो बेसिक चीज़ें हैं जो एक आपको एक इलेक्ट्रिकल
डिज़ाइन इंजीनियर बनने के लिए चाहिए या इस डिपार्टमेंट में आने के लिए चाहिए वो भी बता दिए, और फिर इजीली आप कैसे आ सकते हैं या ट्रैक पे आ सकते हैं वो भी इन्होंने बता दिए हैं, क्या सैलरी होनी चाहिए, क्या सैलरी एक्सपेक्टेड होनी चाहिए, क्या सैलरीज होती हैं वो भी इन्होंने बता दिए हैं। और फिर भी अगर आपके दिल में या दिमाग में कोई क्वेश्चन रह गया है, और अक्सर लोग यही कहते हैं कि आपने डिप्लोमा वालों की बात की और बीएससी वालों की बात नहीं की, तो फिर अगर उनकी ज़्यादा बात करो तो कहते हैं डिप्लोमा होल्डर्स की, डिप्लोमा होल्डर्स कहते हैं बीएससी वालों की बात की तो डिप्लोमा वाले गिला कर रहे होते। तो आज मैंने दोनों का स्पेशली मैं मेंशन करता रहा हूँ साथ साथ, ताकि न डिप्लोमा होल्डर्स का गिला रहे और न जो बैचलर्स हैं मतलब सॉरी बैचलर डिग्री होल्डर्स हैं उनका गिला ना रहे। तो मैंने दोनों को कवर करने की कोशिश की अपने इस इंटरव्यू में, और इसके बाद भी अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन है तो काइंडली प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा, उसके कमेंट में जो जो भी आपके दिल और दिमाग में क्वेश्चन है वो मैं इनसे ज़रूर रबते में रहूँगा, और ये डेली हमारा आमना सामना होता है, रबता होता है एक दूसरे से। तो कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीडियो बना दी जाए, अदरवाइज़ जो कमेंट हैं उनमें रिप्लाई किया जाएगा। तो जैसे मैंने कमिटमेंट की है कि मैं क्यू ए की उसी इंजीनियर को भी लेके आऊँगा, नो डाउट मैं लेके आऊँगा। ऑटोकैड वाले भाई ये काम ऑटोकैड के ही तकरीबन करते हैं, लेकिन फिर भी स्पेशली आपके लिए लेके आऊँगा, नो वरीज़। और मेरी वीडियोज़ आती रहेंगी, मैं थोड़ा एबसेंट हो जाता हूँ बीच में, फंसी की तरह डेली प्रेजेंट नहीं होता क्लास में, लेकिन समटाइम मैं एबसेंट हो जाता हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं स्क्रीन से गायब हो गया। समटाइम आदमी बिजी रह जाता है या फिर ऐसी कोई टाइम की मुश्किल आ जाती हैं, काम अपने इतने जैसे भाई को कन्वेंस करना है, तब दूसरे हर कोई इतनी जल्दी नहीं मानता जितनी ये माशाल्लाह जल्दी मान गए। तो ये चीज़ें होती हैं, कुछ बैरियर्स होते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि बंदा स्क्रीन से गायब हो गया, या जो आप लोगों ने जो रिक्वेस्ट की थी कि हमें ये वीडियो चाहिए, ये बंदा चाहिए, तो ये वो बंदा हम लेके आ रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है और सब्र चाहिए होता है। तो सब्सक्राइब कीजिए सरदार दुबई दुबई को और अपनी